हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मैं उठ चुकी हूँ और अभी मैं आपके लिए ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और अभी मैं करूँगी योगा, क्योंकि हमने जैसे ही कल ही डिसाइड किया था कि अब सुबह उठ के योगा करना है, कुछ टाइम खुद को देना है। सच में बहुत अच्छा लगता है सुबह उठ के योगा करना और पूरी बॉडी अच्छे से स्ट्रेच हो जाती है। मैं मेरा योगा का पूरा सेशन कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ। अभी हम दोनों का वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट और मैं जा रही थी ग्रीन टी बनाने। इतने में मुझे चिकू ने बोला कि जो तुमने ऑर्डर की थी ग्रीन टी वो आ गई है। तो आई है यहाँ पर तुलसी ग्रीन टी और लेमन जिंजर। मेरे पास पहले थी तुलसी ग्रीन टी थी, अभी आई है लेमन जिंजर। तो ये ट्राई करते हैं कैसी लगती है, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखते हैं ग्रीन टी कैसी लगती है टेस्ट में। मस्त है। अभी हो चुकी हूँ मैं नहा कर रेडी और अब बनेगा हमारा ब्रेकफास्ट। ओट्स ख़त्म हो चुके थे तो चिकू लेने गए थे ओट्स, तो अभी लेकर आ गए हैं और अब बनाऊंगी मैं मिल्क ओट्स ब्रेकफास्ट में। अभी मेरा जो लंच है वो बन चुका है और अभी मैं लंच कर रही हूँ। आज बना है रोटी, कढ़ी और टेंडोर की सब्ज़ी और सैलेड। ये ख़त्म करके मैं आज जाऊंगी शॉप पे। आज मैं शूट नहीं कर पाऊंगी, मुझे थोड़ा सा काम है इसलिए। तो देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है। अभी हो गई हूँ मैं फाइनली फ्री और मैं जा रही हूँ शॉप कर और रोमा मेकअप स्टूडियो पे। वहाँ जाकर कुछ काम है तो वो निपटा के मैं आपको बताती हूँ। तो अभी आ चुकी हूँ मैं शॉप पर और यहाँ पर हम कर रहे हैं अभी साफ़ सफाई। थोड़ा सा मुझे काम था इसलिए आज गई थी मैं रोमा मेकअप स्टूडियो पर और वहाँ पर मैंने की थोड़ी सी साफ़ सफाई। सॉरी फॉर देट, मैं आपको बता नहीं पाई क्योंकि मैं भी काफ़ी बिजी थी तो मैं व्लॉग नहीं कर पाई। इसलिए अब मैं आ गई हूँ घर पे। अभी अभी बनाऊंगी मैं खाना और खाने में आज क्या बनता है मैं आपको बताऊंगी। अभी बना रही हूँ मैं खाना और मैंने खाने में सोचा कुछ हल्का फुल्का बनाती हूँ, वो भी टेस्टी। तो मैंने सोचा है कि मैं बनाऊँ सूजी के चिल्ले। तो मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ, आपको बताती हूँ। कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है पर अच्छे खासे बना लेती हूँ, तो मैंने सोचा बता देती हूँ, शायद काम आए। यहाँ पर मैंने सूजी के अंदर दही मिक्स करके रहने दिया है क्योंकि सूजी थोड़ी देर के लिए फूल जाएगी इसलिए। तो जब तक ये बिकती है इसके लिए अपन प्याज टमाटर हरी मिर्च वगैरह कट कर लेते हैं। पापा ग्लास से काच पर काच में नहीं है काच का। ओ हिला 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 हिला, देखो सांप जैसे ही चल रहा है। सांप जैसे ही चल रहा है। दराजी बंद करो, ये क्यों अभी पतू लगा पड़े हो। ओ बाप रे, जोरदार जो ये हाथ नहीं डालू। सूजी के अंदर मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्ची और अभी धनिया भी कट करके डालूंगी और नमक भी डाला है, धनिया का पाउडर भी डाला है और जीरे का पाउडर भी डाला है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगता है धनिया का टेस्ट इसमें जब पक के ये थोड़ा थोड़ा मुँह में आता है ना। ये चिल्ला हमारा बन रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है दिखने में। तो अब खा के देखेंगे कैसा बना है। और अच्छे से पकने दूंगी फिर उसको पलटूंगी ताकि ये टूटे। साथ पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मैं कभी भी कुछ भी चीज़ बना रही होती, जैसे चिल्ला हो गया, आलू पराठे हो गए, किसी भी तरह के पराठे, किसी भी तरह का चिल्ला, मेरा फर्स्ट बिगड़ता ही है। फर्स्ट आप देख सकते हैं कितना भयंकर टूटा जब निकाला तब, और अब ये सेकेंड बनेगा एकदम परफेक्ट। देख सकते हैं सेकंड एकदम परफेक्ट बना है, बिल्कुल भी कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इतना अच्छे से बना है। और फर्स्ट तो भाई साहब को टूटना ही था। बन गया हमारा परफेक्ट चिल्ला। यहाँ पे हो गया मेरा स्टेन कंप्लीट क्लीन। जो बर्तन है अभी शाम के वो वॉश करूँगी और फिर हम कुछ और बातें करेंगे।
मेरा किचन हो चुका है कंप्लीट क्लीन और अब मैं हो चुकी हूँ फ्री। फ्री हो चुकी हूँ, किचन मेरा कंप्लीट क्लीन हो चुका है, ऑल सेट। अब करेंगे शांति से रेस्ट और सुबह जल्दी उठी थी इसलिए नींद भी आ रही है। तो चलिए रूम में लाइट्स बंद। और ये है हमारे रूम का प्रवेश द्वार और ये बैठे हैं हमारे पति जो कि बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। ये वीडियो इस व्लॉग से पहले आ जाएगी तो आपने देख ही ली होगी, जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कैसी लगी, क्योंकि आपके लिए बनाई थी बहुत ही अच्छी वीडियो। अब मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ सोने, पर क्या बता वो अभी तक मुझे सांप ही दिख रहा है छोटा सा, रात को भी कहीं सपने में ना आ जाए अचानक से इतना छोटू सा सांप, क्या पता किचन में कहाँ से आ गया। अब वो पता लगाएंगे कल हम पूरा दिन कि वो कहाँ से आया था, जहाँ से भी आया वो सारे रास्ते बंद कर देंगे। बहुत ध्यान रखना ज़रूरी होगा, कहीं घर में तो नहीं होगा ना, नहीं बाहर से ही आया था पक्का, क्या पता, देखेंगे कल पूरा चेक करते हैं ना, पूछना पड़ेगा। किससे? छोटे वाले सांप से? कहाँ छोड़ के? दूर छोड़ के आए ना, मारा तो नहीं? गुड, मारना नहीं चाहिए ना इसलिए। तो इसी के साथ मैं करती हूँ व्लॉग का एंड, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आपको दिख रहा होगा मेरी आंखों में कितनी नींद है, क्योंकि सुबह 6 बजे उठते हैं तो नींद भी आ जाती है, इसलिए 11 बज चुकी है और अब मैं सोऊंगी और मैं व्लॉग का कर रही हूँ एंड। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर दे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।